मेरे अकाउंट में मेरे भाई ने जकत के पैसे भेजे हैं। अब मेरे पास कैश भी रखी भी है तो क्या मैं वो कैश वो के पर अदा कर दू और जब मुझे तो किसी तो हाँ, अच्छा जी जी. बंदे ने आपको जकत अदा करने के लिए रकम भेज दी आपके अकाउंट में सदका अदा करने के लिए रकम भेज दी आप ये चाह रहे से रकम ना निकलवाऊ कोई भी इशू उसका हो सकता है आप जा नहीं सकते अभी या अभी आपके पास हाजतमंद शख्स अभी मौजूद है बैंक में जाएंगे तो शायद उसकी हाजत पूरी करने में लेट हो जाए तो कोई ऐसी सूर, सूरत है कि आप ये चाह रहे हैं कि वो बैंक में जो पैसे ज़क़त के आए हैं या सदके के आए हैं वो मैं ना दूँ अपने पास से दे दूँ तो इसके हवाले से शरीयत का हुक्म यह है कि आपको इस तरह करने की बिल्कुल इजाज़त है यानी आपके पास वो रकम बैंक में आई है जकवात की आप उसको वहीं रहने दें अपने पास जो कैश है आप वो रकम जो है उससे उसकी ज़क़ात अदा कर दें और वो रकम जो ज़क़ात के तौर पर आई थी बाद में अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं ये ज़क़ात में भी हो सकता है और सदका जो है उस नफली सदका उसमें भी हो सकता है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो रकम आपको वहाँ से रिसीव हुई है ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले उसको इस्तेमाल कर लें बाद में अपने पैसों से आप उसकी ज़क़ात अदा कर दें ये तरीका गलत होगा इस तरह जब आप उसके पैसे इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद आप जक़ात अदा करना चाहेंगे तो आपकी तो गोया वकालत यानी जो आपको उसने अपना नायब बना के अदायगी का कहा था वो जो वकालत है वो खत्म हो जाएगी आपको दोबारा उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपके पैसे मैंने इस तरह, इस तरह इस्तेमाल कर लिए थे अब मैं अदा करना चाह रहा हूं तो अब वो अगर इजाजत देगा तो फिर आपका तरीका दुरुस्त होगा तो पहले इस्तेमाल नहीं करने पहले आपने अपने पैसों की जक़ात अपने पैसों से अदायगी कर दें बाद में चाहे तो बैंक में जो आए हुए पैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं